10 जुलाई 2019 का वो दिन जिस दिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला जा रहा था। महेंद्र सिंह धोनी रन आउट होते हैं, महज 2 इंच के फासले से ही उनका बल्ला क्रीज से दूर रह जाता है और भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है। 2019 में मिली उस हार का बदला लेने के लिए भारत अपनी सरजमी पर एक बार फिर से न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल मुकाबले में भिड़ने जा रही है। सेमीफाइनल का ये महामुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। तो वहीं इस बार अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए तो भारत ने सभी 9 मुकाबले जीतते हुए वर्ल्ड कप पर अपनी दावेदारी पेश की है। इसके साथ ही 12 साल से जो वर्ल्ड कप को अपने हाथों में उठाने का सपना है उसको फिर से पूरा करने के लिए उनका विजय रथ आगे बढ़ रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले सेमीफाइनल मुकाबले पर तमाम चर्चा करेंगे। मैं हूं ललित वर्मा और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। मेरे साथ है मेरे सहयोगी आदित्य आत्रे। आदित्य, सेमीफाइनल मुकाबला, सेमीफाइनल की यादें न्यूजीलैंड के सामने कुछ अच्छी नहीं रही है। जी बिल्कुल, पिछला जो मैनचेस्टर में जो मुकाबला था वो मुकाबला शायद कोई भूल नहीं पाएगा। किस तरह महेंद्र सिंह धोनी जब सिर्फ 2 इंच क्रीज से बाहर रह गए थे और डायरेक्ट एक थ्रो, मार्टिन गुप्टिल का शायद वो थ्रो था, और सीधा स्टंप्स पे लगा और हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। देखिए, बहुत अच्छी पारी रविंद्र जडेजा ने उसमें उस सेमीफाइनल मुकाबले में खेली थी जब बहुत बड़े दिग्गज रोहित शर्मा, विराट कोहली आउट होके चले गए थे, लेकिन तब एक छोर से पारी रविंद्र जडेजा ने संभाली तो दूसरी ओर महेंद्र सिंह धोनी लगातार क्रीज पर डटे रहे, लेकिन एक रन आउट और मुकाबला हारे और बाहर हो गए। कुछ अगर बात करें तो आईसीसी जैसे बड़े टूर्नामेंट में कुछ ऐसे आंकड़े हैं कि भारत हमेशा से ही जो लीग मुकाबले होते हैं उनमें जबरदस्त प्रदर्शन करता है। हमने अभी भी देखा किस तरह से 9 मुकाबले भारत ने यहाँ पर एक तरफा जीत लगभग सभी मुकाबलों में उन्होंने हासिल की है, और अब एक बड़ा मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल में होने वाला है। एक फियर है क्योंकि न्यूजीलैंड से हम वर्ल्ड कप में जहां लीग मुकाबले में तकरीबन 10 या 15 साल बाद जीते थे, लेकिन हम सेमीफाइनल कभी भी इस टीम से नहीं जीते। आदित्य, अगर बात की जाए, देखो आईसीसी के टूर्नामेंट जितने भी होते हैं भारत को लीग स्टेजेस के मुकाबले में 86% मैचों में जीत नसीब होती है, लेकिन जब नॉकआउट का बात आती है तो भारत का ये आंकड़ा थोड़ा सा गड़बड़ नजर आता है। 89% मुकाबलों में उनको हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार भारत में वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, भारत ने सभी 9 मुकाबले एक तरफा जीत, उनको कहेंगे बड़े जीत नहीं, एक तरफा जीत कहेंगे, सभी मुकाबले जीते हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ किस तरीके से आप इस मैच को देखते हैं? देखिए, जिस तरह से अभी तक 9 मुकाबलों की अगर मैं बात करूं तो भारत को सिर्फ न्यूजीलैंड से ही टक्कर मिली थी। आपने देखे होंगे कि बाकी एक तरफा मुकाबले चाहे ऑस्ट्रेलिया से हो, चाहे साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो, एक तरफा भारत ने मुकाबले जीते थे, लेकिन धर्मशाला के अंदर जब भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड कप के अंदर भिड़े तो एक रोमांच जरूर यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिला था, लेकिन रविंद्र जडेजा और केएल राहुल ने वो मैच फिनिश किया यहाँ पर। तो टक्कर निश्चित तौर पर मिलने वाली है क्योंकि न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं वो भी जबरदस्त फॉर्म में है। हालांकि देखिए, न्यूजीलैंड की टीम ने जब शुरुआत की थी तो बहुत ही शानदार तरीके से उनके खिलाड़ियों ने इस वर्ल्ड कप के अंदर प्रदर्शन किया और शुरुआत के जो मुकाबले थे वो लगातार जीते, लेकिन उसके बाद 2 या 3 मुकाबले हारने के बाद न्यूजीलैंड की टीम को क्वालिफाई करने के लिए काफी मुश्किलें भी करनी, मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। हमारे दर्शकों को बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो इस वर्ल्ड कप का लीग स्टेज मुकाबला है वह 22 अक्टूबर को खेला गया था और भारत ने वो 4 विकेट से जीता था। भारत ने पहले बल्लेबाजी, न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 273 रन बनाए थे, जवाब में विराट कोहली के शानदार 95 रनों के चलते भारत ने जीत हासिल की थी। देखिए आदित्य, भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी इस समय वर्ल्ड की सबसे टॉप नजर आ रही है। नीदरलैंड के खिलाफ जो मुकाबला खेला गया था, स्टार्टिंग के टॉप ऑर्डर के 3 इन बल्लेबाजों ने 50 मारी, फिर केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने शानदार शतक मारा, बल्लेबाजी किस रूप में देखते हैं? देखिए, बल्लेबाजी तो इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट के अंदर तो जबरदस्त है ही। कप्तान रोहित शर्मा जिस तरह की शुरुआत दे रहे हैं उसके बाद भी शायद नीचे के जो बल्लेबाज हैं उनको जोर नहीं आ रहा है रन करने के लिए। शुभमन गिल उनका बखूबी साथ यहाँ पे, एक आध मुकाबला छोड़ दे तो शुभमन गिल ने भी
बहुत अच्छी पारियां यहाँ पर खेली है और शायद शुभमन गिल ही अभी तक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने सेंचुरी इस टूर्नामेंट में लगाई है। बाकी जो केएल राहुल तक है वो यहाँ पर सेंचुरी लगा चुके हैं, श्रेयस अय्यर सेंचुरी लगा चुके हैं, विराट कोहली सेंचुरी लगा चुके हैं, रोहित शर्मा सेंचुरी लगा चुके हैं, तो सिर्फ शुभमन गिल के बल्ले से सेंचुरी आना यहाँ पर बाकी है। और एक बड़ा मुकाबला है, एक यंग प्लेयर है तो उनके बल्ले से जरूर जो है रन यहाँ पर मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम है काफी अच्छा बैटिंग के लिए माना जाता है। और अगर सलामी जोड़ी फिर से एक बार 100 रन के आसपास की अगर पार्टनरशिप यहाँ पे करती है तो फिर एक बहुत बड़ा स्कोरिंग मुकाबला है इस मैच में देखने को मिलेगा। लेकिन न्यूजीलैंड की भी जो बल्लेबाजी है उसको कमतर नहीं आका जा सकता। देखो भारतीय गेंदबाजी इस समय, भारतीय गेंदबाजी मोहम्मद शमी, सिराज और बुमराह इनकी तेज गेंदबाजी, इसके साथ ही कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की स्पिन, इस पूरे वर्ल्ड कप में इन्होंने तहलका मचाया है। बिल्कुल, शुरुआती मुकाबलों में हमने देखा था कि मोहम्मद शमी को बाहर रखा गया था, शार्दुल ठाकुर को उनकी जगह खिलाया जा रहा था, लेकिन इसके बाद जिस तरह से टीम में एंट्री होती है शमी की और पंजा जब वो मारते हैं उसके बाद खलबली मच जाती है और उसके बाद रुक नहीं रहे हैं, विकेट लगातार निकाल रहे हैं। बुमराह और सिराज एक बहुत बढ़िया स्टार्ट इंडिया को दे रहे हैं, शुरुआती 2-3 विकेट वो निकालते हैं, इसके बाद फिर जो शमी है वो अपना काम पूरा कर रहे हैं और जो बचे हुए बल्लेबाज हैं इनके लिए फिर कुलदीप की जो चाइना मैन है वो कहीं ना कहीं परेशानी साबित हो रही है। ऑर्थोडॉक्स जो रविंद्र जडेजा है उनकी गेंदबाजी अभी भी जो है इस आईसीसी टूर्नामेंट में बल्लेबाजों के लिए मिस्ट्री बनी हुई है, किस तरह इन बल्लेबाज इन बॉलर्स को खेलते हैं ये सबसे बड़ी बात होगी। देखिए आते ही शुरुआत के कुछ मुकाबलों में जिस तरह मोहम्मद शमी की अगर बात करें, 14-15-16-17 विकेट वो ले चुके हैं, महज 5 या 6 मुकाबले उन्होंने खेले हैं। अगर 9 मुकाबलों की बात करें तो 3 मुकाबलों में वो नहीं थे, बाकी सभी मुकाबले उन्होंने खेले हैं, तो अच्छी स्ट्राइक रेट है उनकी विकेट लेने की और बहुत कम वो रन यहाँ पर दे रहे हैं और जो विकेट की जरूरत होती है तो वो टीम को निकाल के। देखिए आदित्य, बात की है 8 मुकाबले जीतने के बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि नीदरलैंड के खिलाफ भारत एक्सपेरिमेंट कर सकता है, अपनी बैलेंस स्ट्रेंथ है उसको आजमा सकता है, लेकिन भारत ने कोई रिस्क नहीं लिया, अपनी सेम प्लेइंग 11 को नीदरलैंड के खिलाफ भी उतारा। वो ये साफ बताना चाह रहे हैं कि इस बार उनके मंसूबे वर्ल्ड कप को फिर से उठाने के। बिल्कुल, किसी तरह का कोई चेंजिंग मुझे लग रहा था कि शायद ईशान किशन को एक मौका मिल सकता है यहाँ पर, रविंद्र अश्विन को एक मौका मिल सकता है, प्रसिद्ध कृष्णन को एक मौका मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जो हार्दिक पांड्या को हटा दे तो उसके बाद जो खिलाड़ी टीम में लगातार प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं वो ये भी टीम में दिखाई दे रहे हैं। हार्दिक पांड्या का फैक्टर है यहाँ पर इंडिया को कहीं ना कहीं परेशान, अभी तक तो किसी तरह की लीग स्टेज में नहीं है किसी तरह की, लेकिन अब बड़े मुकाबले होने हैं। देखिए अगर इंडिया यहाँ से जीती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका दोनों में से एक ही टीम होगी उनके सामने फाइनल में यहाँ पर खड़ी होगी, तो ऐसे में जो अनुभवी खिलाड़ी होता है वो अनुभव का किस तरह उपयोग करता है ये हम सभी जानते हैं। बिल्कुल, देखिए हमने यहाँ भारत की गेंदबाजी और बल्लेबाजी की बात की, अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड में विलियमसन की वापसी, इसके साथ ही रचिन रविंद्र की शानदार फॉर्म, डेविन कॉनवे की शानदार बल्लेबाजी, लैथम फ्लिप्स, मिशेल जो है ऑलराउंडर्स की फौज है पूरी, डैरिल मिशेल पूरी ऑलराउंडर की फौज है, बहुत शानदार फॉर्म में है और इन्होंने हालांकि 10 पॉइंटों के साथ इन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन मौके पर जैसी न्यूजीलैंड ने शुरुआत की थी वर्ल्ड कप की अंजाम वहां तक नहीं पहुंचा। बिल्कुल, ये बात मैंने पहले भी कही कि जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की जो लीग मुकाबले खेले वो मैच मुझे अभी भी याद है जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 382 रन जब वो 84 रन वो चेस कर रहे थे तो महज 4 या 5 रन से वो मुकाबला वो हारे थे, रचिन रविंद्र ने बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी उसमें की थी, तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में रखना होगा टीम इंडिया को कि शुरुआती जो विकेट्स हैं वो उनके लिए काफी। बिल्कुल, न्यूजीलैंड ने देखिए लीग स्टेज के शुरुआती 4 मुकाबले शानदार तरीके से जीते लेकिन उसके बाद 4 मुकाबले गवाए, श्रीलंका पर जीत के साथ ही उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। रचिन रविंद्र भारत के 2 महान बल्लेबाजों के नाम पर रखा गया, उनका नाम सचिन और राहुल के नाम पर उनका नाम रखा गया है और वैसे ही बल्लेबाजी और वैसे ही देखिए सचिन नजर आ रहा है, सचिन तेंदुलकर जैसी आक्रामकता और क्रीज पर किस तरह रुककर बल्लेबाजी की जाती है, राहुल द्रविड़ की वो कला इनमें दिखाई दे रही है, नाम के साथ उनमें जो दोनों
बल्लेबाजों की जो खूबियां हैं वो नजर आ रही है। और उन्होंने बताया है इस वर्ल्ड कप में कि आखिर क्यों उनको इन दो बल्लेबाजों के नाम पर उनका नाम रखा गया। स्पिन बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे भी अपना अच्छा उपयोग दे रहे हैं। किसी टाइम सचिन तेंदुलकर को भी इस तरह से माना जाता था, बल्ले के साथ साथ गेंदबाजी में भी वो कमाल दिखाते थे, 100 से ज्यादा विकेट उनके भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रहे हैं। तो ऐसे में एक ऑलराउंडर ऐसा खिलाड़ी आपके पास जो बल्ले के साथ साथ गेंदबाजी में भी अपना कमाल दिखा सकता है तो टीम के लिए काफी फायदेमंद वो वहाँ होता है। लेकिन न्यूजीलैंड की अगर बात करें, साउथी हैं, बोल्ट है, लॉकी फर्ग्यूसन है, सेंटनर है, रचिल रविंदर है, ग्लेन फ्लिप है, डैरिल मिशेल है। गेंदबाजी आक्रमण जैसा भारत का है, इक्वल है, मैं ये तो नहीं कहूंगा इंडिया जैसा आक्रमक है। अगर तेज गेंदबाजी की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट उनके पास काफी अच्छे यहाँ पर गेंदबाज है, काफी अनुभवी गेंदबाज है, लेकिन मुंबई का जो मैदान है उस पे स्पिनर्स का सवाल चलेगा। हालांकि हम बात करें सेंटेनर जिस तरीके से गेंद डालते हैं, आप देखिए फ्लाइट वो डालते हैं और सिर्फ बॉल को छोड़ रहे हैं, वो पिछले मुकाबलों में देखा वो अपनी तरफ से कोई गति नहीं दे रहे हैं गेंद को, बल्लेबाज को ही वहां पर एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए एक परेशानी का सबब हो सकता है। अगर लाल मिट्टी के पिच पर अगर मुकाबला होता है तो फिर कहीं ना कहीं एक मुश्किल है जो बल्लेबाजों के लिए यहाँ पर खड़ी हो सकती है। लेकिन न्यूजीलैंड से बेहतर अगर स्पिन अटैक की बात करें तो वो टीम इंडिया के पास है। आपके पास रविंद्र जडेजा है, आपके पास कुलदीप यादव है, 20 ओवर आपके पास स्पिनर्स के हैं, तो आप किस तरह से उनका उपयोग करते हैं। और इससे पहले जो पिछले मैच में मैं कुछ नाम और जोड़ूंगा, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, वो एक एक्सपेरिमेंट था वो उन्होंने वहां पर किया, लेकिन रोहित शर्मा को विकेट मिला, विराट कोहली को भी वहां पर विकेट मिला है यहाँ पर। लेकिन अब जो एक्सपेरिमेंट की बात है वो अब यहाँ पर नहीं हो सकती है, क्योंकि अब सेमीफाइनल का मुकाबला है और फिर फाइनल का मुकाबला है। तो अब अपने गेंदबाजों को किस तरह उपयोग में लेना है ये रोहित शर्मा बखूबी जानते हैं। उनका होम ग्राउंड है मुंबई, उनको स्थिति काफी अच्छी तरह से पता है किस तरह की वहां पर अगर जिस पिच पे भी मुकाबला होता है तो उस पर बिहेव कैसा करेगी गेंद, उनको काफी अच्छी पता है। इसके विपरीत अगर बात करें तो न्यूजीलैंड के काफी खिलाड़ी भी लगातार आईपीएल खेलते हैं और कुछ खिलाड़ी टीम मुंबई इंडियंस में भी यहाँ पर मौजूद है, तो उनको भी भली भांति पता है कि किस तरह से ये पिच यहाँ पर बल्लेबाजों गेंदबाजों को मदद करेगा। तो ऐसे में एक बहुत अच्छा मुकाबला सेमीफाइनल में यहाँ देखने को मिल सकता है। पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है, ऐसे में क्या लगता है 15 नवंबर का मुकाबला महा मुकाबला? देखिए रिकॉर्ड बनते ही तोड़ने के लिए है। सचिन तेंदुलकर ने 49 एक दिवसीय मुकाबलों में शतक मारे और अब विराट कोहली उनके बराबर, निश्चित तौर पर वो 50वां शतक मारकर ये तोड़ देंगे और पूरे देश को उम्मीद होगी कि अगले ही मुकाबले में वो अपनी सेंचुरी करें और इंडिया को एक बड़े स्कोर पर लेके जाए। हमें पिछली चीजें, भारतीय टीम को पिछली चीजें सभी भुलानी होगी और एक नए सिरे से जो है मैदान पर उतरना होगा। हमें वो दिमाग से निकालना होगा कि हम कभी जीत नहीं पाए, क्योंकि हम इससे पहले भी कभी किसी वर्ल्ड कप मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं जीत पाए हैं, लेकिन हमने वो रिकॉर्ड तोड़ा यहाँ पर। और भारतीय टीम के पास एक मौका है और जिस तरह से फॉर्म में है भारतीय टीम इस समय, तो ये एक मिथ है कि हम कभी न्यूजीलैंड से नहीं जीत पाए, तो ये रिकॉर्ड भी यहाँ पर निश्चित तौर पर इंडिया टीम तोड़ना चाहिए। बिल्कुल, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 15 नवंबर को सेमीफाइनल का पहला मुकाबला खेला जाएगा, तो वहीं 16 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। अब तक अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए तो भारत कभी न्यूजीलैंड को नहीं हरा पाया था, लेकिन 22 अक्टूबर को भारत वो इतिहास बदल चुका है। तो वहीं एक दूसरा जो इतिहास 2003 और 2007 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने रचा था, लगातार 11 मुकाबले जीतने का, वो रिकॉर्ड भी भारत इस वर्ल्ड कप में तोड़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि लीग स्टेज के 9 मुकाबले भारत जीत चुका है। इसके साथ ही अब सेमीफाइनल और फाइनल के मैच यदि भारत जीतता है तो ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड तोड़ेगा, इसके साथ ही 12 साल से जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने का इंतजार है वो भी भारत यहां पर पूरी करता हुआ नजर आएगा। ऐसे में दोनों ही बड़ी टीमों के बीच में 15 नवंबर को सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अगर कागजों की बात की जाए तो भारत न्यूजीलैंड से काफी ऊपर नजर आ रहा है, तो वहीं भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी इस वर्ल्ड कप में आग उगल रही है। तो कुछ दिन पहले ही दिवाली का त्यौहार गया है, पटाखे खूब फूटे हैं, पूरे देश ने जश्न मनाया है। ऐसे में अब देखना होगा कि भारत की न्यूजीलैंड पर जीत के साथ
क्या 3 दिन बाद एक बार फिर से भारत में दिवाली मनेगी? ये देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़।